नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और ये तस्वीर आप सबको दिखा रहा हूं असंध शहर से। जी हां, आजकल असंध शहर के अंदर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और इस घोटाले के पीछे कई बड़े अधिकारियों व मंत्रियों का हाथ होना माना जा रहा है। मामला है असंध शहर के करनाल रोड पर प्राइम जोन सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था, जो कि 36 एकड़ में था, जिसकी मौजूदा कीमत लगभग 115 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कई वर्ष पहले प्राइम जोन सिटी प्रोजेक्ट की जमीन को असंध ब्लॉक के व्यापारियों ने कुछ प्लाट खरीदे थे, लेकिन अब मामला कुछ और ही बन गया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि अब सरकार ने व्यापारियों से यह जमीन लेकर मुंबई की एक कंपनी को दे दी है। इस मामले को आप सुनिए खुद किसानों की जबानी, आखिर क्या है पूरा मामला। मैं सरदार गुरमुख सिंह अन्नदाता, भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज प्राइम जोन जो स्कैंडल का जो एक बहुत बड़ा घपला जो यहाँ हुआ है असंध के अंदर, उसके लिए आज हम सारे संगठन जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जैसमपुरे के पास एक आवास कॉलोनी के रूप में जो काटी गई थी कॉलोनी, उसको जो किसानों ने जो है व्यापारियों ने लिया हुआ था, उसको ही सरकार ने आगे जो है उनको तो प्लाट दिए नहीं है और आगे सरकार का आगे व्यापारियों को जो बॉम्बे की एक कंपनी है उसको सारी की सारी वो जो जमीन है 36 एकड़ जमीन है जो कि 3 लाख के हिसाब से जो है उनको रहन कर दी गई है। उसके संबंध के अंदर ही आज हम जो है सारे संगठन संयुक्त मोर्चा के जो मेंबर तीन लाख के तहत दी गई है, प्रति प्लॉट दी गई है या प्रति एकड़ दी गई है? एकड़ के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से जो है 3 लाख के प्रति एकड़ के हिसाब से जो है दी गई है, जिसकी कीमत जो है आज जो है 115 करोड़ के हिसाब से जो है, जो 10 लाख का जो कम से कम जो है जो एक किला बनता है 10 करोड़ का, और जो जिसको जो 3 लाख में जो दे दिया गया है, तो आज तो बड़े बड़े जो है किले को जो 10-10 करोड़ देने वाले भी उस जगह पे आज जो है लोग हैं, जो सताई असंध के लोग हैं, जो बोली लगा के लेने चाहिए था, इन्होंने आज जो है एक जिनके बेचारे उन्होंने अपने पता नहीं किस तरह से किसी आदमी ने कोई लोन लेकर किसी ने लिमिट बनवा कर किस तरह से वो प्लाट दे रखे हैं। और आज सरकार, मैं तो खट्टर सरकार से एक अनुरोध यही करता हूं कि जो किसानों का कम से कम उनको जो प्लाट दिए जाएं, जहां उनका जो पैसा रिटर्न है सने ब्याज उनको वापस किया जाए, तो जहां मर्जी दो, और जो किसान का जो जमीन है उसको भी जो मुआवजा बनता है उसको मुआवजा देना चाहिए। जो आज 115 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, प्राइम जोन नाम की कंपनी थी जो स्कीम के तहत किस्तों पर प्लॉट दे रही थी सभी नागरिकों को, तो क्या कुछ कहेंगे उसको? ऐसा है जी, 10 करोड़ हमारे यहाँ पर व्यापारियों ने, किसानों ने, गांव वाले ने, इलाकों वासियों ने वहाँ पर 10 करोड़ के वहाँ प्लॉट खरीदे हुए हैं। 125 करोड़ आज उसकी मार्केट वैल्यू है, जो ईडी ने चोरी छिपे अंधेरे में रहकर उसको 10 करोड़ में आगे ऑक्शन कर दी है। और आज तहसीलदार साहब से मिले, डीसी साहब से मिले, वो कहते हैं कि हम तो उनको रजिस्ट्री करेंगे। इतनी अंधेरगर्दी, ये सरकार कहती कि हम ईमानदार हैं, और इतने छोटे से शहर में 115 करोड़ का घोटाला होना ये अपने आप में एक मिसाल है। और भारतीय किसान यूनियन, सभी संगठन, सभी इलाके के निवासी उस जगह पर कब्जा करेंगे, और जो भी प्लाट जो भी वहाँ कब्जा लेने के आएगा वहाँ पर आर पार की लड़ाई होगी। और कल की, इसलिए अगली रणनीति के लिए कल की हमने मीटिंग बुला ली।